हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की। अब गूगल शीट के अंदर आज एक नई चीज देखेंगे और वो क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर देख सकते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्ट के नाम आए हुए हैं, आप इसके लिए चाहे तो ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, मैंने ड्रॉप डाउन नहीं बनाया है, ठीक है। हम पहले इस पर बॉर्डर लगा लेते हैं, ये बॉर्डर इस तरीके से यहाँ जाने से और यहाँ पे क्लिक करने से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा इस पर। और इसके बाद हम ये चाहते हैं कि इसका टोटल हम करें, तो टोटल यहां से कर सकते हैं, इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और एंटर करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। तो टोटल आ गया, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सबका आ जाएगा, तो ये तो आ गया हमारा। लेकिन समस्या ये है हमारे साथ कि यहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट की बात तो है नहीं। जैसे मान लीजिए ऐसे 10,000 प्रोडक्ट आपके पास आ जाए तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे 10,000 प्रोडक्ट आ जाएं और पता चले कि जैसे अभी अभी तो मान लीजिए इसमें ये है, अगर इसमें से रिपीटेड प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे है, फिर इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसी को, यहाँ पे कॉपी करके और इसे पेस्ट कर देता हूँ, इतना हिस्सा कॉपी करता हूँ यहाँ से और पेस्ट कर देता हूँ ताकि सेम प्रोडक्ट रिपीट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर अब टोटल कैलकुलेट करने में कोई समस्या तो है नहीं, यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे तो इन सब का भी टोटल आता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन समस्या तो तब होगी जब यहाँ पर ये नेम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसे कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और अब हमें यहां पे टोटल पता करना है, उस नेम ऑफ प्रोडक्ट का टोटल पता करना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, यहां पर जाते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट जो आता है वो यहां पे लिखा रहता है और फिर इज इक्वल टू लगा के एक एक करके जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जोड़ना जो है काफी जो है इनकन्वीनियंस हो जाता है। और कितना जोड़ेंगे आप, अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा है तो जोड़ ले रहे हैं, लेकिन जब यही चीज बहुत बड़े अमाउंट में हो जाएगी तब दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है गूगल शीट के अंदर, क्या है फॉर्मूला, डी सम का फॉर्मूला है। किस नाम से फॉर्मूला है, डी सम। तो यहां पे लगाइएगा डी सम इस तरीके से, ये देखिए डी सम आ भी जाता है। और अब इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये पूरा डेटा, क्योंकि यहां पर डेटाबेस ही आ रहा है नीचे, और यहां पर कॉमा दीजिएगा। और जैसे ही कॉमा देते हैं तो कोई एक फील्ड, जैसे मान लीजिए हम यहां पर टोटल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये टोटल हमने सेलेक्ट करा इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने किया है बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है। और अब नेम ऑफ प्रोडक्ट जो है हमें चाहिए, देख सकते हैं टोटल भी हमारे सामने आ चुका है, देख लीजिए ये टोटल बिल्कुल सही आया हुआ है। अब कैसे पता ये सही आया हुआ है, तो इसको तो करके देखना पड़ेगा कि हमारा टोटल यहाँ पे सही आया या नहीं आया है। तो फिलहाल इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक रेड कलर से, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है टोटल आ चुका है। अब ये किसका टोटल है, कीबोर्ड का है। तो क्या कीबोर्ड का टोटल सही आया हुआ है, 26,800 आया हुआ है। तो चलिए आइए इसको पता करते हैं, तो इज इक्वल टू लगाते हैं यहाँ पे, देखिए जो जो कीबोर्ड है उसे मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए कीबोर्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पहला जो पोजीशन है वो कीबोर्ड है, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पर भी कीबोर्ड आया हुआ है, तो इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ। तो यहाँ से जाकर के इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ सेम कलर से, ठीक है। और फिर और तो कहीं कीबोर्ड आया नहीं हुआ है, बस यही दो जगह है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, पहले इसको ऐड करेंगे और प्लस इसमें ये वाला ऐड कर देंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पर अमाउंट जो है 26,800 ही आ रहा है, यानी बिल्कुल सही आया हुआ है। लेकिन अभी रुकिए, इसमें हम चेंजेस करने वाले हैं। क्या चेंजेस करेंगे, देखिए यहां पर जाएंगे ना, तो यहां पर हम चाहते हैं एक ड्रॉप डाउन ही बना लेते हैं, क्यों ना, क्योंकि बार बार चेंज करना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। तो यहां से जाकर के जाएंगे कहां, डाटा टैब पर, और डाटा टैब पे जाने के बाद यहां पर आपको मिल जाता है डाटा वैलिडेशन, तो डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। और जैसे ही डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे एड रूल दिखाई पड़ेगा, बस चले जाइएगा एड रूल पे, और यहां से हमें एक रेंज सेलेक्ट करनी है, तो जो भी आपकी रेंज है वो रेंज कर लीजिएगा सेलेक्ट, ठीक है। तो यहां पर जो भी रेंज है वो रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये रेंज पे गए और यहाँ से ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और अब ओके करने की जरूरत है, तो ये ओके हो गया, यहाँ से डन कर दीजिएगा, काम हो गया है, ठीक है। और अब इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर अब आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं माउस कर देता हूँ तो माउस का टोटल कितना आ रहा है, 2400। अब देखते हैं माउस 2400 का सेल किया गया या नहीं, तो देखिए यहाँ पर एक माउस है तो 1200 का यहाँ पर है, प्लस और भी कई माउस है तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 1200 का है, तो यहाँ देखिए 2400 टोटल आ रहा है, यानी माउस की प्राइस बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ से ड्रॉप डाउन से चेंज करते हैं, हम यहाँ पे अब लैपटॉप डेल करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अमाउंट जो आया हुआ है क्या ये मैच कर रहा है जो रियल अमाउंट है, यानी कि जितने का सेल किया गया उससे मैच कर रहा है या नहीं। तो डेल के लैपटॉप की बात हो रही है, तो यहाँ पर डेल का लैपटॉप है, प्लस करेंगे और भी कहीं है क्या डेल का लैपटॉप, देखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एक और है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए सेम अमाउंट आ रहा है, ठीक है। यानी हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, और आप चाहे तो डी सम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि ये इसमें किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर ये सेम चीज जो है उठाएंगे, इसी कॉपी पेस्ट करते हैं, ये कॉपी किया नीचे पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट शीट पे भी हो जाएगा, ये चीज जो आप
आप देख रहे हैं ये डिफरेंट शीट पे भी हो जाएगा। कैसे होगा डिफरेंट शीट पे आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर हम एक न्यू शीट लेते हैं और यहाँ पर उन चीजों को लेके आएंगे जो चीजें होने वाली हैं। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं और यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखता हूँ। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर टोटल इसका आएगा, टोटल आएगा, प्राइस आएगा, यूनिट आएगा, जो चाहे वो ला सकते हैं आप। कैसे देखिए, यहाँ पर तो टोटल कर रहा हूँ, बगल में यूनिट भी लिख लेता हूँ, ये कर लिया यूनिट, ठीक है। अगर आप प्राइस देखना चाहते हैं तो प्राइस भी यहाँ पे कर लीजिए, तो ये प्राइस भी लिख लिया, ठीक है। अब ये नेम ऑफ प्रोडक्ट है और ये देखिएगा, ये चीज जो है मैच करनी चाहिए इस वाले टेबल से। तो ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, यूनिट और टोटल, ये सब मैच होना चाहिए, स्पेलिंग करेक्ट ही होनी चाहिए जो इसमें दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे टोटल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाते हैं, डी सम फॉर्मूला लगाते हैं। ये आ गया डी सम फॉर्मूला। हमारा डेटाबेस कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लिया हमने, अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, तो जैसे ही डेटा हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लगाइएगा कॉमा। क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, कॉमा लगा दिया। और जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो कॉमा लगाने के बाद आपको इस बार हमें टोटल चाहिए, तो टोटल को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और कॉमा लगा करके इन दोनों को सेलेक्ट करना है, इन दोनों को, ठीक है। और इन दोनों को सेलेक्ट करके और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक अमाउंट आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड लिखता हूँ, KEBOARD, ठीक है, कीबोर्ड लिखा, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा, BOARD होता है, तो ये लिखा। तो यहाँ देखिए 26,800 अपने आप आ रहा है। तो ये डिफरेंट शीट पे भी हो जाएगा। और इसमें कैसे होगा, तो यहाँ देखिए यूनिट लाना है तो डी सम करिए, फिर वापस से डी सम लगाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है, डेटाबेस पूरा सेलेक्ट करना है, तो ये पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा लगा लेते हैं हम, ये पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया। इस बार हमें क्या चाहिए, इस बार यूनिट चाहिए, तो यूनिट को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड की 134 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे 134। तो एक बार चेक करते हैं कीबोर्ड का 134 यूनिट सेल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, आप थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, तो इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। देखिए कीबोर्ड की कितनी यूनिट है, 67 यहाँ पे है, प्लस का निशान लगाते हैं, और भी कहीं है क्या, और यहाँ पे 67 है, तो दोनों को मिला के कितना हुआ, 134 हुआ, ठीक है, देख सकते हैं कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं सेकेंड वाली सीट पे वापस। तो देखिए अब प्राइस की बात है, तो प्राइस में भी सेम, इज इक्वल टू का निशान लगाइए, डी सम लगाइए, इस तरीके से डी सम लगा दिया। और अब वापस से वही कि हमें पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर जाना है, तो ये पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर जाइए और डेटाबेस को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो टोटल है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए टोटल चाहिए, क्या चाहिए वो देखना होगा। तो यहाँ पे अभी हमें प्राइस चाहिए, ठीक है, टोटल नहीं चाहिए बल्कि प्राइस चाहिए। तो हमें प्राइस वाला हिस्सा सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है ये यहाँ पे देखिए, ये इसको सेलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके और फिर यहाँ पे कॉमा लगाइए। और कॉमा लगा करके क्या करना है आपको, यहाँ पर किसकी प्राइस की बात हो रही है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 400 रुपये आ रहा है। अब 400 रुपये किसकी प्राइस है, तो कीबोर्ड की प्राइस है। क्या कीबोर्ड की प्राइस है 400 रुपये? कीबोर्ड कितने बार आया है जरा यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पर चेक कीजिए। कीबोर्ड की जो प्राइस है वो 200 यहाँ पर है और 200 यहाँ पे है, दोनों को मिला के कितना हुआ, 400 हुआ, ठीक है, क्योंकि दो बार आया हुआ है तो दोनों को ये जोड़ दे रहा है, ठीक है ना, दो बार आया हुआ है दोनों को जोड़ के ये दे रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड मिटा दिया मैंने, यहाँ पे MOUSE माउस कर दिया, तो माउस किया तो ऑटोमेटिक ये प्राइस चेंज हो गई, सारी चीजें ऑटोमेटिक बदल जाएंगी, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक बदली है तो क्या ये सही आया है, क्या यूनिट सही है, क्या टोटल सही है, क्या प्राइस सही है, ये सब चीजें देखने वाली है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, तो चेक करते हैं एक बार कि सही आया या नहीं आया। तो यहाँ पे आते हैं, अब माउस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये माउस है, ठीक है, इसे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ, जहां जहां माउस लिखा हुआ है उसे एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो कुल मिला के माउस की प्राइस कितनी है, 2400 रुपये है, यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, 2400 रुपये, यहाँ 1200 है, यहाँ 1200 है, तो टोटल तो आपका इतना ही आना चाहिए। लेकिन यूनिट की क्या यहाँ पे बात करेंगे, यूनिट यहाँ पे देखिए 300 रुपये प्राइस आ रहा है, 300 प्राइस 300 है, तो क्या प्राइस 300 है माउस की, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे 150 रुपये है, यहाँ पे 150, दोनों को मिला के कितना होता है, 300 होता है, ठीक है, तो प्राइस तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं टोटल 2400 रुपये आ रहा है, तो क्या 2400 रुपये ही है टोटल, तो यहाँ देखिए 1200 और 1200 मिला के तो 2400 ही होता है, तो टोटल भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे यूनिट 16 है, तो यूनिट भी चेक कर ली जाए, क्योंकि यूनिट क्यों छोड़ेंगे, सब कुछ हो ही गया है। तो यहाँ देखिए 8 यूनिट यहाँ पे, 8 यूनिट यहाँ पे, तो मिला के कितना हुआ, 16 ही तो हुआ, तो यहाँ पे कितना आया हुआ है, 16 ही तो है, तो सारा कुछ ओके है। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको इस तरह की
जरूरत पड़ती है, इस तरह के रिक्वायरमेंट है, तो आप इन सब फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्सेल में भी आपको मिल जाता है, आप इसको एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।